हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जन IRCTC यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टिकट बुक होने के बाद बोर्डिंग स्टेशन कैसे बदल सकते हैं। IRCTC की जो गाइडलाइंस है बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के लिए, वो भी डिटेल्स में जानेंगे। इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें डिटेल्स में समझाया हमने, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट जन IRCTC यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रेन की टिकट बुक कराने के बाद आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना चाहते हैं तो अब यह मुमकिन होगा। IRCTC ने अपने मुसाफिरों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने का विकल्प उपलब्ध कराया है। IRCTC के नए नियमों के तहत मुसाफिर यात्रा से 24 घंटे पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन खुद बदल सकते हैं। बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको किसी भी तरह के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान भी नहीं करना होगा। हाँ, बोर्डिंग स्टेशन बदलने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपके लिए कुछ भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आइए अब देखते हैं रेलवे के बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के नियम। फिलहाल 24 घंटे पहले तक ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव की व्यवस्था है। एक बार बोर्डिंग चेंज करने पर पुराने बोर्डिंग पॉइंट से ट्रेन नहीं पकड़ सकते। बोर्डिंग चेंज करने के बाद पुराने बोर्डिंग पॉइंट से ट्रेन पकड़ पर दोनों स्टेशनों के बीच का किराया देना होगा। बोर्डिंग पॉइंट में केवल एक ही बार में बदलाव कर सकते हैं। तत्काल बुकिंग टिकट पर भी बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। विकल्प ऑप्शन लेने वाले PNR नंबर पर बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं कर सकते। नए सर्विस में यात्री का रिजर्वेशन काउंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। 139 पर कॉल, मैसेज या IRCTC की वेबसाइट पर भी बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं बोर्डिंग पॉइंट कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करना होगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुकी हूँ। आप अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद आपको माय अकाउंट में क्लिक करना होगा, या माय ट्रांजैक्शन एंड बुक टिकट हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा। अब आपके जो भी टिकट बुक होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपको जिस भी टिकट का बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे मुझे इसका चेंज करना है तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी पूरा टिकट शो हो जाएगा। अब आपको सबसे नीचे आना होगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, चेंज बोर्डिंग पॉइंट, इस पर क्लिक करना होगा। अब आपको आपका बोर्डिंग पॉइंट सिलेक्ट करना होगा। आप जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका बोर्डिंग पॉइंट चेंज हो चुका है। सो देखा आपने आप कितने आसानी से अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी रेलवे से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए नेक्स्ट जन IRCTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।